दोस्तों 12 जून 2023 से हरियाणा में न्यू एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है। इस पॉलिसी के अंडर हरियाणा विल बिकम द फर्स्ट स्टेट जो कि अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले कॉर्पोरेट्स को कंपनीज को अलाउ करेगा कि वो अपने एम्प्लॉयज को लो एल्कोहल कंटेंट बेस्ड लिकर सर्व कर सके, जैसे कि बियर है, वाइन है। और इसको सर्व करने के लिए या इस पॉलिसी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंपनी या एम्प्लॉयर के पास कम से कम 5,000 एम्प्लॉयज होने चाहिए, उनके पास कम से कम 1,00,000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, 10,00,000 रुपए की लाइसेंस फीस देनी होगी एनुअली, जिसके ऊपर 3,00,000 रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड भी देना होगा। इसके साथ साथ में ये जो पॉलिसी है इसमें ये कहा गया कि जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाएगा अल्कोहल सर्व करना, सिर्फ ऑफिस प्रोमिसेस के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनको ही अल्कोहल सर्व किया जाएगा। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती है तो जो लोकल कलेक्टर है वो एक लाइसेंस इशू करेंगे, दैट इज लाइसेंस L10F विद अप्रूवल ऑफ द स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर। क्या ये पॉलिसी अच्छी है या नहीं आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये पॉलिसी दुनिया में कोई नई पॉलिसी नहीं है, यूरोप के बहुत सारे देशों में ये पॉलिसी पहले से एग्जिस्ट करती है। क्या साथ में बाकी स्टेट्स को भी ऐसी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।